हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज दिवाली है और हम जा रहे हैं अपने गांव दिवाली मनाने। वैसे तो हर साल हम 2-3 दिन पहले ही चले जाते हैं, पर इस बार ऑफिस और स्कूल में छुट्टी ना होने की वजह से हम आज मेन दिवाली वाले दिन निकल रहे हैं। पैकिंग हो चुकी है और चाय बन रही है, चाय पी के बस हम निकलेंगे। फाइनली हम अपने गांव के लिए निकल चुके हैं और गांव जाने के लिए हम तीनों ही हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं। 3.5 से 4 घंटे लगते हैं हमें लखनऊ से अपने गांव पहुंचने में। तो हम फाइनली घर पहुंच गए थे, हमने खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर रंगोली सजाई जगह जगह पे, और उन सब को रिकॉर्ड करने का मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो ये है हमारा गांव वाला घर, पुराना है थोड़ा बट बहुत अच्छा है, स्पेशली हमें बहुत पसंद है। तो ये सारी रंगोली हमने बनाई, सारी तैयारियां की, पूजा की, और कुछ कुछ तैयारियां तो तनुज भैया और अंबुज ने भी पहले से ही कर रखी थी, जैसे कि ये फ्लावर का डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था और मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे घर में दिए जलाने के बाद हमारे यहाँ पूजन होता है, तो अब हो गया है पूजा का समय। दिए वगैरह हम पहले ही जला चुके हैं, अब गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होगी। वैसे तो पूजा हमेशा मम्मी पापा करते हैं, बट इस बार जाने क्यों पापा ने बोला तुम दोनों पूजा करो, तो इस बार पूजा हम दोनों ने की। परिवार के साथ मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा हमने की और वो बहुत ही सुकून भरा है हमारे लिए। उनके आशीर्वाद से हमारे घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहे, बस यही प्रार्थना है हमारी। और अब दिवाली की मस्ती और जोर साथ ले रही है पटाखे जलाने में, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि छोटे ही पटाखे जलाएं और सिर्फ रोशनी वाले, और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। यहाँ हम सब ने फुलझड़ी जलाई, सब ने सिर्फ रोशनी करने वाले पटाखे जलाए और इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लिया। मुझे लगता है किसी भी फेस्टिवल का असली मतलब यही है, अपनी फैमिली के साथ हंसी मजाक करना, खूब मज़े करना, इंजॉय करना और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाना। ये रात हमें अपने अपनों के और भी करीब ला देती है। ये पल इतने खास होते हैं जब सभी मिलकर त्यौहार का मज़ा लेते हैं, यही शायद असली खुशी है।
तो दोस्तों ये थी हमारी दिवाली। इस त्यौहार ने हमें बहुत सी यादें दी और हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली भी उतनी ही खास थी जितनी हमारी रही। आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।